जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी डिफेंस लवर के लिए बहुत सारी न्यूज़ेस हैं जो कुछ इस प्रकार। पहली बार भारत पाकिस्तान सीमा पर बन रहे बीएसएफ के लिए परमानेंट बंकर। इंडियन आर्मी खरीदेगी 300 रफ व्हीकल और यूएस मिलिट्री के कई F-35 विमान किए गए ग्राउंडेड। तो दोस्तों, जैसा कि इंडियन नेवी के ऑफिसर्स अपनी अलग अलग स्टेटमेंट्स के जरिए ये बता चुके हैं कि इंडियन नेवी अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को विकसित करने के पक्ष में है, और वो बात अलग है कि ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर सेम टू सेम INS विक्रांत की तरह ही हो सकता है, जैसा कि अभी हाल ही की रिपोर्ट देखने को मिली। और नेवी के तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेके हाल ही में ट्रिब्यून के द्वारा एक जानकारी दी गई, और उस रिपोर्ट के मुताबिक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी भी तीसरे एयरक्राफ्ट के पक्ष में है और उन्होंने भी इसे विकसित करने का सुझाव दिया है। और पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ने अपनी स्टेटमेंट और अपनी रिकमेंडेशन पिछले साल के विंटर सेशन के दौरान पार्लियामेंट में पेश किए थे, जिसमें कमेटी का ये कहना था जो आइलैंड टेरिटरी है वो पावर प्रोजेक्ट के लिए रणनीतिक रूप से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर हमें समुद्र में ऑपरेशनल और स्ट्रेटेजिक डिफेंस चाहिए तो वो केवल हमें मोबाइल मिलिट्री एसेट्स के माध्यम से ही मिल सकता है, जिसमें ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही प्रकार की कैपेबिलिटी होनी चाहिए। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि हमें एटलीस्ट 3 कैरियर तो चाहिए, जो कि तीसरा कैरियर एक सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, ताकि हमारे जो दो एयरक्राफ्ट है INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य वो मेंटेनेंस की जगह पे इनकी जगह ले सके। तो कमेटी इस बात का पक्ष रखती है कि जो तीसरा एयरक्राफ्ट है उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रक्षा मंत्रालय जरूर विचार करे, ताकि अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इन सभी जगहों पर मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कमेटी ने अपना समर्थन दिया। लेकिन इन आयरलैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने से हमें डिफेंसिव कैपेबिलिटी तो मिलेगी, लेकिन अगर हमें ऑफेंसिव कैपेबिलिटी चाहिए तो हमारे पास एक तीसरा एयरक्राफ्ट भी होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जम्मू कश्मीर में आए आतंकवादियों की गिरावट के चलते इंडियन आर्मी राष्ट्रीय राइफल को रीडेवलप करने के ऊपर विचार कर रही है, क्योंकि इसे 1990 में एक स्मॉल फोर्स के रूप में बनाया गया था, लेकिन आज के समय में इसकी 63 बटालियन हो चुकी है। लेकिन RR की जो डिविजन लेवल की एक फोर्स है वो 2020 में चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद पूर्व लद्दाख में भी इंटेक्ट की गई, इसलिए टॉप के ऑफिसर्स अभी इस बात को देख रहे हैं। फिलहाल जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद में गिरावट आई है वो अगर दोबारा से बढ़ता नहीं है तो RR की कुछ बटालियन या हर एक बटालियन में से कुछ कंपनीज को रिड्यूस करने के ऊपर विचार किया जाए। और इसके अलावा इसी रिपोर्ट में अनदर ऑफिसर के हवाले से ये भी बताया, आर्मी ने अपने एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी को धीरे धीरे क्लोज करने का फैसला किया और साल 2030 तक इनकी संख्या 70% तक कम कर दी जाएगी, और इसमें अब लॉजिस्टिक ड्रोन ज्यादा कैपेबल हो सकते हैं। बाकी इंडियन आर्मी की कॉम्बैट कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए मैन पावर का ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है, जिसमें से ऑलरेडी कुछ को अचीव भी कर लिया गया, और हाल फिलहाल में इंडियन आर्मी की 7 मॉडर्न योजनाएं चल रही है, जिसके तहत इंडियन आर्मी को मॉडर्न किया जाएगा और भारतीय आर्मी की जो कम बजट है उसे कैसे ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए, कम बजट में भी हमें अच्छे आउटपुट देखने को मिले। बाकी दोस्तों, इसके अलावा एक अपडेट ये भी है, इंडियन आर्मी के लिए करीब 300 रफ टेरेन व्हीकल खरीदने के लिए RFP जारी कर दी गई, जिसके तहत इन व्हीकल की खरीद इमरजेंसी प्रिपेयरमेंट के तहत फास्ट ट्रैक प्रोसेस से की जाएगी, वो भी बाय इंडियन कैटेगरी से। और ये जो 300 रफ टेरेन लॉजिस्टिक व्हीकल खरीदे जाएंगे लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए मीडियम से हाई एटीट्यूड एरिया में डिप्लॉय किया जाएगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात में भारत पाकिस्तान बॉर्डर के आसपास जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सरकरी और हरामी नारावारा वाला इलाका तो है, इन जगहों पे पहली बार BSF ट्रूप्स के लिए परमानेंट कंक्रीट के वर्टिकल बंकर्स का निर्माण किया जा रहा है, और इस तरीके के 8 मल्टी स्टोरी बंकर्स का निर्माण करने के लिए गृह मंत्रालय की तरफ से करीब 50 करोड़ रूपए का अमाउंट सैंक्शन कर दिया गया है। रिपोर्टों के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इन क्षेत्रों में हाल ही के दिनों में पाकिस्तानी फिशरमैन और फिशिंग बोट्स की जो घुसपैठ है वो काफी ज्यादा ऑब्जर्व की गई, इसी वजह से भारत सरकार द्वारा यहाँ पे ये फैसला लिया जा रहा है और नई इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। और इसी कड़ी में एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है कि भारतीय रक्षा मंत्री असम की 2 दिवसीय विजिट पर निकले हुए हैं और रक्षा मंत्री 28 BRO द्वारा कंप्लीट किए गए प्रोजेक्ट आर्मी को सबमिट करेंगे, और दोस्तों इन प्रोजेक्ट्स की कीमत है 724.3 करोड़ रुपीस, और इसमें रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 22 पुल भी है, 5 जम्मू कश्मीर में, 8 लद्दाख में, 2 उत्तराखंड में, 30 सिक्किम में और 4 अरुणाचल प्रदेश, और इसके अलावा 3 नई सड़कों का भी निर्माण किया है जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर ये भी निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेफ साइड में आतंकवादियों द्वारा कायरतापूर्वक हमले किए गए हैं। पहला हमला हुआ था दोस्तों कल शाम को, जिसमें 3 घरों के ऊपर आतंकवादियों ने ओपन फायर करना चालू करा, और ये घर एक दूसरे से करीब करीब 50 मीटर की दूरी में थे, जिसमें कि 4 सिविलियंस की जान चली गई थी और कुछ लोग घायल भी हुए थे। सेम इसी जगह पे आज सुबह करीब
9:30 बजे एक आईडी एक्सप्लोजन भी हुआ, जिसमें कि दो मासूम बच्चों की जान चली गई, जिसमें से एक 7 साल का था और दूसरा 4 साल का। और कुछ रिपोर्टों का ये भी मानना है कि कल जिन घरों में हमला किया गया था, जिनमें 4 लोगों की जान गई थी, जिनके नाम सतीश कुमार, दीपक कुमार, प्रीतम लाल, शिशुपाल, पहले आधार कार्ड के माध्यम से इनकी आइडेंटिटी कन्फर्म करी गई और ये कन्फर्म होने के बाद कि ये हिंदू है तो इन पर फायर किया गया। बाकी इन्वेस्टिगेशन के लिए एनआईए की टीम पहुंच गई है तथा आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया और इन हमलों में कई सारे लोग घायल भी हुए जिनका की इलाज चल रहा है। और कल सुबह हुए आईडी ब्लास्ट की वजह से जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कल वाले हमले के पीछे 2 हथियारबंद लोगों का हाथ है जिनकी तलाश जारी कर दी गई है। और खबरों के मुताबिक डांगर के सरपंच का ये मानना है कि कई समय बाद ये टारगेटिंग किलिंग वाले हमले चालू हुए। और आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि आज आईडी ब्लास्ट में जो 2 बच्चों की मौत हुई है उनका नाम है सानवी शर्मा और विहान कुमार शर्मा। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि कायरतापूर्वक हमले में ये मासूम बच्चों की और ये जो मासूम लोग हैं इनकी जान गई है, इनकी आत्मा को शांति, और ऐसा कृत्य करने वाले जो ये सुअर हैं इनको हमारी आर्म फोर्सेस जल्द से जल्द पकड़ के इनकी सही जगह पे पहुंचाए। दोस्तों कुछ समय पहले यूएस के एक F-35 एयरक्राफ्ट को एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा था जिसकी मैंने वीडियो बना के चैनल पे भी डाली थी। और ये दुर्घटना तब हुई थी जब एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा था, लेकिन इसमें अच्छी बात ये थी कि जो इसका पायलट था वो सफलतापूर्वक इजेक्ट होने में कामयाब हुआ था। और आप सभी ने वो मेरी पुरानी वीडियो देखी भी होगी। मीडिया हवालों से ये बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद कई सारे F-35 को ग्राउंडेड किया गया, लेकिन कितने की संख्या में किया गया इसका भी कोई अनुमान नहीं है। और इस F-35 एयरक्राफ्ट के दुर्घटना के पीछे जो भी कारण है उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन बिठाई गई है जिसकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं आई। बाकी दोस्तों एक खबर ताइवान से भी निकल के आ रही है कि चाइनीज एयरक्राफ्ट का घुसपैठ का दौर अभी भी ताइवान में जारी है। दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो गई है, अपने कीमती सुझाव कमेंट्स में जरूर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।